मुरादाबाद में वायरल हुई दो नेताओं की ऑडियो के बाद हाल ही में सपा से निष्कासित एक नेता द्वारा भाजपा समर्थित एक संस्था में शामिल होने के बाद से भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने उक्त नेता के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए आज उक्त निष्कासित नेता पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि उस संगठन का भाजपा से कोई संबंध नहीं है। दरअसल अभी कुछ दिन पूर्व सपा के हाजी सलाउद्दीन और हाजी जुल्फकार का एक ऑडियो वायरल होने के बाद दोनों नेताओं को सपा ने बाहर का रास्ता दिखा दिया था। अब हाजी जुल्फकार द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए खुद को एक संस्था में शामिल होकर खुद को भाजपाई साबित करने के चक्कर में आज भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे से जुड़े फुरकान अहमद ने मीडिया के सामने भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चे के पक्ष रखते हुए हाजी जुल्फकार की दावेदारी को पूरी तरह से फर्जी करार दिया है और कहा है कि भाजपा में केवल अल्पसंख्यक मोर्चा ही मुस्लिमों के लिए बना है। मेरा नाम फुरकान हुसैन है, मैं भारतीय जनता पार्टी का वरिष्ठ नेता हूँ और दो बार मैं महानगर अध्यक्ष रह चुका हूँ। कुछ लोगों से हमें जानकारी मिली कि कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का नाम इस्तेमाल करके कुछ संगठन गलत तरीके से भाजपा का प्रचार कर रहे हैं। ये जो संगठन है, जिस तरीके से अटल फाउंडेशन, ये भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई हिस्सा नहीं है। एक संगठन और जानकारी में लगा है, मिला है, हमें जानकारी मिली है, भाजपा समर्थन मंच, ये भी संगठन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का इस्तेमाल कर रहा है। ये लोग पोस्टर बैनर का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये लोग गैर कानूनी तरीके से संगठन बना रहे हैं जिससे कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं तक इसकी जानकारी हो चुकी है। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के माननीय महानाध्यक्ष धर्मेंद्र नाथ मिश्रा जी ने भी एक प्रेस नोट जारी किया है जिसमें साफ लिखा है कि अटल फाउंडेशन और भाजपा समर्थन मंच, ये भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई अंश नहीं है, ना ही भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चे का इस संगठनों से कोई लेना देना है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी जहां उन्होंने अपने आप को अल्पसंख्यक मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष बताया था। देखिए, इसकी जानकारी संगठन को हो चुकी है, प्रदेश स्तर से या महानगर स्तर से जो भी जानकारी हम लोगों को प्राप्त होगी, इसमें बातचीत चल रही है। अगर ये लोग कोई संगठन के नाम को, भारतीय जनता पार्टी के नाम को अल्पसंख्यक मोर्चा का नाम छोड़कर बदनाम करने की कोशिश करते हैं तो इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए भारतीय जनता पार्टी हर समय तैयार रहेगी। किस तरह की कार्रवाई करना चाहेगी भारतीय जनता पार्टी ऐसे लोगों पर? देखिए, ये लोग अभी इस सिलसिले में हमारे वरिष्ठ नेताओं से, जो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन लोगों से हमारे संपर्क में बात होने जा रही है, लेकिन कुछ हमारे संज्ञान में है जिससे कि दैनिक जागरण में ये स्पष्ट तरीके से हमारे माननीय धमना मिश्रा जी ने स्पष्ट कर दिया है कि ये जो संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चे का कोई हिस्सा नहीं है। अगर मुसलमानों में कोई जगह है तो भारतीय जनता पार्टी में सिर्फ अल्पसंख्यक मोर्चा मुख्य जो है वो भारतीय जनता पार्टी का हिस्सा अल्पसंख्यक मोर्चा भी है, बाकी कोई अंश नहीं है। ये जो संगठन है सब फर्जी है। ये जो संगठन है, ये भारतीय जनता पार्टी का कोई हिस्सा नहीं है। इन लोगों ने अपनी तरीके से जो बताए हैं, इस पर पार्टी स्तर से क्या कार्रवाई करेगी वो आप लोगों को जानकारी दे दी जाएगी। ठीक।